हेलो दोस्तों, कॉम्पिटिटिव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम UPSSSC मैथ सीरीज का पार्ट 3 लेकर के आए हैं। अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए। ऊपर से हो रही आई बटन पर क्लिक करके या प्लेलिस्ट में UPSSSC मैथ में जा करके ये वीडियोज़ आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। टाइप 5 देखेंगे। टाइप 5 में पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी की गई किंतु वस्तु के दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई है, परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में क्या फर्क पड़ेगा, वृद्धि होगी या कमी होगी, परसेंटेज में हमको देखना है। तो देखते हैं, 25% की कमी की गई है तो हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। तो पहले कमी की गई है तो माइनस 25, फिर वृद्धि की गई है तो प्लस 30, और प्लस माइनस गुणा माइनस होता है 25, 25 तिया 75, 750 हो जाएगा बाई 100। माइनस 25 से प्लस 30 घटेगा तो प्लस 5 बचेगा, और ये शून्य से ये शून्य कट जाएगा, 5 15 75, 5 दूनी 10 और 15/2 इक्वल टू 7.5 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस 7.5। तो आपका आंसर होगा माइनस 2.5। तो 25% की कमी और 30% की वृद्धि के बाद दुकान की दैनिक प्राप्त में 2.5% की कमी आएगी, क्योंकि ये माइनस में आया हुआ है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई है, दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। सेम वैसा क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। पहले 25% कम कर दिया जाता है तो माइनस 25, फिर 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो प्लस 20, और प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, और 20 25 500 होगा और बटे 100 बाई 100 हो गया। ये दो शून्य से ये दो शून्य कट गया, और ये माइनस 25 प्लस 20 से घटेगा तो माइनस 5 बचेगा, इधर माइनस 5 पहले से है तो ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस 10%, मतलब उसकी सकल प्राप्ति में 10% की कमी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक संख्या पहले 20% तथा पुनः एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई, बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। तो मान लेते हैं संख्या 100 है, उसमें पहले 20% की वृद्धि की गई, 120 100 प्लस 20 120, फिर 20% की वृद्धि की गई तो 120 और बाई, दो बार वृद्धि की गई है तो 100 से दो बार नीचे गुणा हो जाएगा, ये दो शून्य से ये दो शून्य कट जाएगा और ये दो शून्य से ये दो शून्य कट जाएगा, ऊपर बचा 12 12 स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का वैल्यू आएगा 144। अब 144 में ऐसा क्या किया जाए, कितना परसेंट कम किया जाए कि वो फिर से 100 हो जाए, इसके लिए 100 में से उतना परसेंट घटाना पड़ेगा तो माइनस एक्स कर लेते हैं बटे 100, और इसको बराबर 100 के करते हैं जिससे एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए। अब इसको हम काट छांट इसमें नहीं करेंगे, इस 100 को इधर पक्षांतर करेंगे और इसको इसमें अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 14400 माइनस 144x इक्वल टू 10,000। इसका इधर पक्षांतर होगा तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, चूंकि ये प्लस में है तो ये इधर माइनस हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा माइनस 4400 और इधर हो जाएगा माइनस 144x। ये लिखेंगे 144x इक्वल टू माइनस 4400, ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, और इसको हम 4 से काटते हैं, 4 तिया 12, 2 बचा 4 छंक 24,
चार ग्राम 1100। अब फिर से इसको चार से काटते हैं, चार नवा 36, और इसको काटेंगे तो 275 आएगा। अब 275 में जब 9 से भाग देंगे तो 9 तिया 27, और एक शून्य और बढ़ा देंगे तो ये 270 हो जाएगा, और इधर बचेगा सिर्फ 5। तो आपका आंसर हो जाएगा 30 30 सही 5/9%। तो प्रारंभिक संख्या में 144 को ले आने के लिए 30 सही 5/9% की कमी करनी पड़ेगी, तब वो 100 के बराबर हो जाएगा। अब ये टाइप 6 आ गया, टाइप 5 यहाँ खत्म हो गया। अगला टाइप देखते हैं, इसका ये पहला क्वेश्चन है। किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है। यदि छात्रों के 20% तथा छात्राओं के 25% वयस्क हैं, ठीक, तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता जो वयस्क नहीं है, तो हमको अवयस्कों की प्रतिशतता निकालनी है उस कॉलेज के। तो हम डायरेक्ट अवयस्कों की प्रतिशतता ही निकालेंगे। अनुपात 3:1 दिया गया है, तो हम लोग छात्रों की संख्या को मान लेते हैं 300 थी, और छात्राओं की संख्या को मान लेते हैं 200 थी। इस तरह से हमारी कुल संख्या हो गई छात्राओं छात्रों छात्रों की 500। अब पहले कह रहा है छात्रों के 20%, मतलब 80%, 20% वयस्क हैं, तो 80% अवयस्क होंगे। तो 300 का हम लोग 80% निकाल लेते हैं बाई 100, 300 × 80/100, ये 00 से ये 00 कट जाएगा, इसका वैल्यू आएगा 240। अब 200 का 25% वयस्क हैं, तो 75% अवयस्क होंगी छात्राएं। तो 200 का 75% आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 150। 200 × 75/100 ये कट जाएगा, इसका वैल्यू आएगा 140। अब इस दोनों का योग कर लेते हैं 0549213, और ये संख्या 500 है, हमको 500 में से निकालना है। 390/500×100, ये दो शून्य से ये दो शून्य कट जाएगा, 390 में हम 5 से भाग देंगे, 5 × 7 = 35, 9 में से 5 गया बचा 4, और ये 0 उतर आएगा, 5 × 8 = 40। तो 78% अवयस्कों की संख्या है उस कॉलेज में। पांचवा प्रश्न देखते हैं। यदि ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी क्या होगा। अब ए का 30% मतलब ए इंटू 30/100 = 0.25, तो 0.25 को भिन्न में बदलेंगे तो 25/100 हो जाएगा। तो b इंटू 25/100 बराबर c का 1/5, मतलब c/5। अब हम इसको पहले a अनुपाते b हम निकालेंगे, तो ये 100 से ये 100 हम काट देंगे, 5 × 36 = 5 × 25, तो a/b = 5/6, a/b = 5/6। अब हम b/c निकालेंगे, तो b × 25/100 = c/5, 25 × 100, तो b/c = ये 4 ऊपर जाएगा और c नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 4/5। अनुपात इस तरह से रहे, अगर निकालना रहे तो अनुपात इस तरह से निकाला जाता है, a अनुपाते b, और जो फिर से b है इसको यहां से लिखेंगे b अनुपाते c। अब इस a और इस b का गुणा होगा, ये इस तरह से होगा, इस b और इस b का गुणा ऐसे होगा,
और इस बी और इस सी का गुणा ऐसे होगा। तो आप दोनों की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 5 6 4 by 5, ये ऐसे हो गया। इसको ऐसे गुणा करेंगे और ये ऐसे गुणा करेंगे। पहले इसको गुणा करते हैं, 5 चौक 20, 6 चौको 24 और 6 पंचे 30। इसमें 2 कॉमन है, 2 को बाहर निकाल देते हैं, तो 10 अनुपाते 12 अनुपाते 15, ये आपका अभीष्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं। यदि कक्षा में 4 और लड़कियों की भर्ती कर ली जाए तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात होगा। तो पहले तो कह रहे हैं किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। तो मान लीजिए लड़कों की संख्या x है, तो लड़कियों की संख्या से 20% अधिक है, तो x इंटू 120, ये लड़कियों की संख्या हो जाएगी, बाई 100। और इन दोनों का कुल योग कितना है, 66। कक्षा में 66 विद्यार्थी हैं। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 6 12 2 5 10, ये 5 का इधर गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 5x और ये प्लस 6 है, तो ये हो जाएगा 11x बाई 5 इक्वल टू 66। 11 6 66, x बराबर 30, मतलब लड़कों की संख्या 30 हो जाएगी। जब लड़कों की संख्या 30 हो जाएगी तो ये हो गई लड़कों की संख्या 30 और लड़कियों की संख्या अपने आप 36 हो जाएगी। इसमें से 30 घटाएंगे तो ये 36 हो जाएगी, और 36 में 4 और लड़कियों के जोड़ दिया जाएगा जब, तो ये 40 हो जाएगी। तो अब नया जो संख्या बन रही है, 30 लड़कों की संख्या पहले थी, अब भी है, लड़कियों की संख्या अब 40 हो गई है। 10 इसमें कॉमन है, इसको निकालेंगे तो 3:4, तो आपका उत्तर 3:4 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी परिवार में चावल मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय क्रमशः है 12:17:3 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20% 30% तथा 50% की वृद्धि हो जाती है। परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि हो जाएगी। इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले लिखते हैं 12 में 20% की वृद्धि हो रही है, तो इसका 20% निकाल लेते हैं हम और उसको जोड़ देंगे उसमें। 12 × 20/100, 20 × 100 = 5 × 10 और 5 × 24 = 2.4। 17 में 30% की वृद्धि हो रही है, 17 का 30% निकाल लेंगे, 17/30/100, ये शून्य से ये शून्य कट जाएगा, 17 * 51/10 या 5.1, इसको भी यहाँ लिख लेते हैं। अब उसके बाद 3 में 50% की वृद्धि हो जाएगी, तो इसकी ये हो जाएगा 1.5, लेकिन इसको दिखा देते हैं, 3 × 50/100, 50 × 100 = 1.5, इसको भी यहाँ लिख लेते हैं, जोड़ लेंगे, 5 4 9 1 10, 0 हाथ आए 1, 5 2 7 1 8 1 9, तो टोटल 9 रुपए की वृद्धि हो जाती है। अब इसका योग कितना है, 12 17 और 3, 7 3 10 2 12 1, यहाँ पे हो जाएगा 3, 32 पहले था और 9 इसमें और वृद्धि हो गई। तो कह रहे हैं कि परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो 9 का 32 के अकॉर्डिंग हम परसेंटेज निकाल लेते हैं, 9/32 × 100, इसको 4 से काटते हैं, 4 8 32 4 25 100, 25 9
225 और इसको 8 से भाग दे देते हैं। 8 दूनी 16 और ये हो जाएगा 6 65 और 8 28 64, यहाँ बचेगा 1 28, सही 1/8%। तो परिवार का जो महंगाई में हुई है उससे 28 से ही 1/8% की उसका व्यय बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात होगा। अब दो संख्याएं हैं तो हम मान लेते हैं कि दोनों ए और बी दो संख्याएं हैं, तो ए प्लस बी, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो ए प्लस बी का 15% बराबर अंतर, तो ए माइनस बी, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 3 15, 5 20 100। अब इस 20 को हम इधर पक्षांतर करेंगे और इस 3 को इसमें गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 3b इक्वल टू 20a माइनस 20b। इस 3 को हम इधर पक्षांतर करेंगे, a को एक साइड कर लेंगे और b को एक साइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 20b, इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 23b और ये 3a इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 17a। अब कह रहे हैं बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात क्या होगा। देखिए a इसमें बड़ी संख्या है, क्योंकि इसमें देखिए कम छोटी संख्या से गुणा हो रहा है a में, और b में बड़ी संख्या से गुणा हो रहा है, फिर भी दोनों बराबर हैं, मतलब a बड़ी संख्या है। तो a और बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात, मतलब a अनुपाते b हमको पूछ रहे हैं ये, तो a को यहीं रहने देते हैं और 17 को उधर कर देते हैं और b को इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा a बटे b बराबर 23/17, मतलब a अनुपाते b बराबर 23/17 हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रमा के व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है, यदि उसकी आय में 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। 5:3 का अनुपात है व्यय तथा बचत में, तो बचत को हम मान लेते हैं 50 और व्यय को हम मान लेते हैं 50 और बचत को मान लेते हैं 30, तो उसकी आय कितनी हो जाएगी, 80 रुपए। अब कह रहे हैं उसकी आय में 12% की वृद्धि हो जाती है, तो हम 80 में 12% की वृद्धि कर लेते हैं, या उसका 12% निकाल के उसमें जोड़ देंगे, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 2 4 8, 2 5 10, 12 4 48/5 इक्वल टू 5 9 45 और इधर बचा 3 5 36, 9.6, 9.6 की वृद्धि होगी, तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए, उसकी आय में 12% की वृद्धि हुई, 9.6 आया। अब कह रहे हैं उसकी व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए, तो व्यय कितना है, 50 है, 50 में हम 50 का 15% निकाल लेंगे, 50 × 15/100, 50 × 100 ये बराबर हो जाएगा 7.5। तो अब हमारा जो व्यय होगा वो 57.5 होगा और हमारा जो आय है वो 89.6 होगा, इसमें प्लस 9.6 जुड़ जाएगा 80 में और इसमें 7.5 जुड़ जाएगा। तो कह रहे हैं इसके बाद क्या कह रहे हैं, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये पूछना है कि इसमें कितनी वृद्धि होगी। तो हम यही करते हैं कि 89.6 से 57.5 की वैल्यू घटा देते हैं, तो 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा,
तो 2.1 रुपए की उसकी वृद्धि हो रही है, जिसको हम परसेंटेज में निकाल लेते हैं, 2.1/30 और × 100। इधर अगर 1 शून्य इधर ले जाएंगे तो ये 21 हो जाएगा, ये उड़ जाएगा और 1 शून्य खत्म हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा 1 शून्य से, और ये शून्य से ये शून्य कट जाएगा, और 3 * 21 = 7% की वृद्धि होगी उसके बचत में। अंतिम प्रश्न है, दो संख्याएं ए और बी ऐसी हैं कि ए के 5% और बी के 4% का योग ए के 6% और बी के 8% के योग का 2/3 भाग है, ए अनुपाते बी का अनुपात क्या है? दो संख्याएं ए और बी ऐसी हैं कि ए के 5% और बी के 4% का योग, तो पहले देख लेते हैं, ए के 5% / 100 योग कह रहे हैं तो प्लस लगा देते हैं, और बी के 4% का योग b × 4/100 बराबर कर लेते हैं ए के 6% और बी के 8% के योग के, ए के 6% और बी के 8% की योग के, का 2/3 भाग है, इसमें 2/3 से इसके कंप्लीट योग में गुणा कर देते हैं। अब इसको और थोड़ा आसान करेंगे तो चूंकि हर बराबर है तो अंश अपने आप जुड़ जाएगा, 5a + 4b / 100। इधर भी वही सेम चीज होगा, 6a + 8b / 100 × 2/3। अब इसको 100 को 100 से ख़त्म कर देते हैं, 3 का पक्षांतर हम इधर कर देते हैं और 2 को इसमें गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा 15a + 12b = 12a + 16b। अब इस a को a साइड कर लेंगे और b को b साइड कर लेंगे, 15a और इधर ये 12a जाएगा, तो इधर प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a और ये 12b इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 4b। a अनुपाते b हमको निकालना है तो b का पक्षांतर इधर कर लेंगे और 3 को हम इधर भेज देंगे, तो a/b = 4/3, a/b = 4/3, ये हमारा उत्तर होगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? ये हम टाइप 6 तक आज बताए हैं, एक दो सवाल टाइप 6 में अभी और बची है, उसको कल बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, अपलोडिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम वीडियो उतना लंबा बना नहीं पाते हैं। तो आज का ये टाइप 6 तक हमने कंप्लीट किया है, बाकी का टाइप एक वीडियो जहां तक है और बनेगा, एक या दो वीडियो, तो आपका परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं देखूंगा कि इससे रिलेटेड कौन सा चैप्टर रहेगा, उसको बताएंगे, और धीरे धीरे आपकी पूरी मैथ लेखपाल के लिए जो बना रहे हैं ये खत्म होगी। बाकी भी जो वन डे एग्जाम्स हैं उसमें ये जो मैं बता रहा हूँ आपको काम करेगा, और आप इसको चैप्टर वाइज अगर धीरे धीरे सॉल्व करके उसके बाद प्रैक्टिस पेपर जब आएंगे तो आपका सारे जो प्रॉब्लम्स हैं अपने आप जो है दूर हो जाएगा। जितना मैथ का ये होता है कि आप जितना ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें उतना ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आपको अभी ये करना चाहिए कि परसेंटेज के सवाल जितने मिले जहाँ भी मिले उसको आप सॉल्व करिए, डेली कम से कम 50 से 100 सवाल सॉल्व करिए, आपका परसेंटेज का प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। परसेंटेज अगर आप अपना सॉल्व करना सीख गए तो आपकी मैथ अंक गणित की 40% मैथ आप सीख जाएंगे आराम से, इसीलिए मैं परसेंटेज से इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर वीडियो आपने अभी तक देखा है तो आपको वीडियो पसंद आई है, आप इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करिए, और इसको इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। आपका वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।